तो एसीसी 130 के लिए मेरे जितने भी फौजी भाई हैं, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 जनवरी की डेट बेसब्री से इंतज़ार किए हैं। इस बार एग्ज़ाम शेड्यूल बिल्कुल बिफोर हुआ है, जो कि 1 फरवरी था वो 5 जनवरी हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ी ही है और कॉम्पिटिशन भी बढ़ी है, बट पेपर पैटर्न चेंज हुए हैं, चीज़ें आसान भी हुई हैं। और अगर आप लगातार एमकेसी के मॉक टेस्ट और मैराथन का इस हिस्सा रहे हैं, जो कि हमने एसीसी स्पेशल चलाया अपने इस एमकेसी एनडीए सीरियस और एफकैट और एसीसी चैनल पे, तो मुझे लगता है कि बहुत मददगार होने वाले हैं आपके 130 के एग्ज़ाम में आपके रिजल्ट्स को बेहतर स्कोर पे ले जाने के लिए। तो बिल्कुल आप सबको फिर से एक बार दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऑलरेडी बहुत सिंसियर और सेंसिबल हैं, बस जाके इसी सिंसियरिटी के साथ एग्ज़ाम फोड़िए और एमकेसी के साथ जुड़िए। एसएसबी में भी हम आपको सियोर शॉट ले जाएंगे और 131 के लिए भी हमने टारगेट बैचेस शुरू कर दिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सारे सैनिक भाइयों को ऑल द बेस्ट। 5 जनवरी को आपका एग्जाम है एसीसी का। ट्रेनिंग आपने दोनों चीज़ों के लिए है, बंदूक के चलाने की भी और कलम चलाने की भी। आज का दिन आपके लिए बंदूकों का नहीं, कलम चलाने का है। पूरा करिए अपने सपनों को, बनिए कमीशन अधिकारी, बहुत अच्छे से पेपर दीजिए। हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। जय हिंद। बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एसीसी स्टूडेंट्स। जय हिंद। जय हिंद बच्चों। आप सभी का एसीसी का पेपर स्टार्ट हो गया है, तो बच्चों इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले जो है जीके और जो है रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको थोड़ा तेजी के साथ निपटाना है, ताकि अरिथमेटिक में आपका समय बचे। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जितना अटेम्प्ट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बच्चों आप सभी का पेपर स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे अगर हम बात करने वाले हम लोग मॉडल पेपर और उसकी थ्योरी बच्चों आपको कंप्लीट करा के दिया है, तो उस हिसाब से अगर आप जाते हैं तो आपसे पेपर से वो 60 है। बच्चों आपने जितनी तैयारी किया है वो बहुत अच्छा पेपर जाएगा। हमारे एमकेसी परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से बच्चों आप सभी को शुभकामनाएं हैं। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, हम सबका आशीर्वाद है आपके ऊपर। बिल्कुल बच्चों आप क्वेश्चन करिए और आसानी से बनेंगे। चलिए बच्चों थैंक यू। जय हिंद जय भारत। जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है कि 5 जनवरी 2024 को यानी 5 जनवरी 2024 को आपका एसीसी का एग्जाम है, तो आपको बहुत अच्छे से बेस्ट ऑफ लक कहेंगे और अच्छी अच्छी हमारे विशेष हैं आपके प्रति। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात के लिए अश्योर करना चाहता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ को लेकर के वरीड नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है। कारण उसका यह है कि हम लोगों ने अपने जो प्लेटफॉर्म पर एमकेसी के प्लेटफॉर्म पर जो मैराथन चलाई हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से कवर होंगे। यदि आपने किया हुआ है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। और हाँ, आप बिल्कुल समय पर पहुँचें और बाद में एन टाइम पर ऐसा मन देखें कि कैसे पहुँचेंगे कैसा होगा। बिल्कुल समय पर पहले से पहुँचें, फ्रेश होकर के जाएँ, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और एकदम फ्री माइंड से, कूल माइंड से पेपर दें, पेपर बहुत अच्छा होगा। यू आर ऑलरेडी वर्किंग, आप सभी फौजी भाई पहले से काम कर ही रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचने की बात नहीं है। तो अब आपका वैसे भी फ्री माइंड है, तो आप फ्री माइंड से अगर बेहतरीन पेपर दोगे तो आपको एसीसी की एंट्री से कोई नहीं रोक सकता है। और इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आर विशाल और मैं अपने एमकेसी परिवार की तरफ से अपनी सभी फौजी भाइयों को जो एसीसी के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, परीक्षा के सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं देने आए। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़कर पढ़े हैं तो अनडाउटली सारे क्वेश्चन आपके वही मॉक और क्लास से आने वाले हैं, तो एकदम हिम्मत बना करके जाएँ और पेपर को फोड़ के आएँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ शाम को आप मुझे ज़रूर रिपोर्ट करेंगे आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और ये भी बताएंगे कि सारे क्वेश्चन मॉक से आए हैं। ऑल द बेस्ट।